कैसे हैं सभी बच्चे? आप सब लोग सही है, अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं। चलिए आप सब स्वस्थ रहे, हमारी यही मनोकामना है। चलिए मैं आपका अपना टीचर कुशल गौर, आज मैं आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज सामान्य दिन का टॉपिक लेकर आया हूँ। आपको पता है कि हम एवरी संडे आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आते हैं। तीन टेस्ट होते हैं आपके एवरी संडे। जो बच्चे उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं उनका, उन्हें ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड और हिंदी तैयार कराई जाती है, और जो बच्चे ऑल इंडिया एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी और उत्तराखंड नहीं आता स्टेट लेवल, तो उनके लिए जनरल स्टडी और कंप्यूटर का टेस्ट रखते हैं हम लोग। तो यही सब चीजें लेके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, आज संडे है, देखते हैं हमारा क्या टेस्ट है, क्या क्या हुआ। देखिए टॉपिक है हमारा, विषय है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी, और टेस्ट है टेस्ट नंबर 10। इससे पहले आपके जनरल स्टडी के 9 टेस्ट हो चुके हैं, वो आप प्ले लिस्ट से जाकर अपने पढ़ लें। कोई भी आगामी परीक्षा है वो, चाहे वो ग्रुप सी की हो, सी टेट की हो, यू टेट की हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, UPSC हो, BCS हो, कोई भी XYZ नेशनल और आपके स्टेट लेवल, उन सब में अति महत्वपूर्ण टेस्ट साबित होने वाले हैं, और आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़े। कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर विनायस कैंपस की टीम देगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नदी है वो जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखते हैं, सोन नदी, इंद्रावती, गोमती, यमुना। तो बताइए गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? गंगा की जो सहायक नदी नहीं है इंद्रावती है, बाकी सोन भी, गोमती भी और यमुना भी, ये तीनों आपकी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? इसका पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा, वो आप लगभग 32-33 का वो हो चुकी क्लास ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप उन्हें जाके प्लेलिस्ट से कंप्लीट तैयार कर लें। टॉपिक बाय टॉपिक और स्टेप बाय स्टेप चीजें है, भटकने की आपको जरूरत नहीं है। वायुमंडल में नाइट्रोजन में जो प्रतिशत या कितनी मात्रा होती है, 25, बी 35, सी 78, डी 10%। बताइए कितनी मात्रा होती है वायुमंडल में? यह होती है आपकी 78%। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, इसके बाद दूसरा स्थान है ऑक्सीजन का, 21+ कितना है। ठीक, नेक्स्ट, हिटलर का पूरा नाम क्या था? जर्मनी के तानाशाह हिटलर का पूरा नाम क्या था बताइएगा? आप सब लोग जानते हैं कि हिटलर क्या था, और उसका पूरा नाम बताना है बस आप लोगों को। एडोल्फ हिटलर, बेनेडिक्ट हिटलर, पॉल हिटलर, बताइए हिटलर का पूरा नाम क्या था? वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए। इसका नाम था एडोल्फ हिटलर, ए आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था बताइए? 1737 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1767 ईस्वी, 1777 ईस्वी, बताइए किस ईयर में? पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखना। और बक्सर का युद्ध अगर पूछे तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? भाई देखो, यूक्रेन और रूस का चर्चित विवाद है, तो आगामी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपसे क्वेश्चन कराया और टेस्ट में रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी। तो बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था आपका 1914 ईस्वी, बी आंसर है। 1914 से 1918 ईस्वी तक ये लड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का पूर्ण नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जो पूर्ण नाम था वो क्या था
ए सुरेंद्र नाथ दत्त, बी सिद्धार्थ, सी नरेंद्र नाथ दत्त। बताइए स्वामी विवेकानंद का पूर्ण नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ दत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जो पहले नाम था, ये जो उपाधि दी गई थी स्वामी विवेकानंद महाराजा खेतड़ी ने दी थी, तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। वाटरलू का जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था ये मैं आपको बतला दूं। फ्रांस और जर्मनी, जो हिटलर था वो ये हिटलर का अंतिम युद्ध था, और इसके बाद हिटलर ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसे पकड़कर एक द्वीप था वहां पर भेज दिया था, और जहां पर 1821 में उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, वाटरलू का युद्ध फ्रांस और जर्मनी के मध्य लड़ा गया था 1815, 1817, 1818, 1819। ये लड़ा गया था आपका वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में, किस किस के मध्य? फ्रांस और जर्मनी, हिटलर और फ्रांस के बीच हुआ था, और ये हिटलर का अंतिम युद्ध था, इसके बाद उसकी डेथ हो गई थी 1821 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में कहां पर स्थापित हुआ था? इसकी डेट भी याद रखना था एग्जाम में। 1878 में भारत का पहला वन विद्यालय फॉरेस्ट स्कूल कहां पर खोला गया था? पंतनगर में, FIT देहरादून, FRI देहरादून, बताइए कहां पर खोला गया था 1878 में? ये खोला गया था FRI देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। सी आंसर है हमारा इसका, सी FRI देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन, वर्ल्ड पर्यटन डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर, कोई नहीं, बताइए कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं पूछा आपसे, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो बताइए कौन सा एक मौलिक अधिकार तीनों में नहीं है? यह है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इसे 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपत्ति के कानूनी मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था, और इसका वर्तमान में जो उल्लेख है वो आर्टिकल 300 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, बाकी ये मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है फेसबुक, सब चलाते हैं फेसबुक, कौन नहीं चलाता फेसबुक? सब चलाते हैं, तो फेसबुक के संस्थापक कौन है आज बताइएगा आप लोग, फेसबुक के संस्थापक कौन है? बिना बताए आप कमेंट में बताएंगे। ए डस्टिन मैकोविज, इडुआर्डो, मार्क जुकरबर्ग, सी एंड्रयू मैकुलम, बताइए फेसबुक के संस्थापक कौन है? वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताएं। फेसबुक के जो संस्थापक है वह है मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर की सी भाषा के जनक कौन है? कंप्यूटर की जो सी भाषा है उसके जनक कौन है? ए हॉलरिथ, डकबर्ग, आर्मस्ट्रांग, डेनिस रिची, बताइए कौन है? वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताएं सब लोग। सी भाषा के जो जनक है कंप्यूटर के वो है डेनिस रिची, डी आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है, याद रखना, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है,
सकते हैं, आ सकते हैं, इन पे एग्जाम में बैठ के आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन आने के बावजूद भी हम वहां गलत कर देते हैं, क्योंकि हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते। तो आप गलतियों से बचे, बार बार इस तरह की गलती ना करें। एक बार गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, लौह इस्पात कारखाने, राज्य या स्थान। कुछ भारत में आजादी से पहले लौह इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी, बड़े बड़े लौह इस्पात कारखाने जैसे टाटा बिरला इन लोगों ने स्थापित किए थे। तो वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एक तो आता है किस कारखाने की स्थापना कहां पर की गई, एक आता है किस देश के सहयोग से की गई। तो ये मैंने आपको दोनों करा दूंगा एग्जाम। देखिए राहुल केलर लौह इस्पात जो कारखाना है उड़ीसा दे रहा है, बरनपुर पश्चिमी बंगाल दे रहा है, भिलाई छत्तीसगढ़ दे रहा है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल दे रहा है, और बोकारो छत्तीसगढ़ दे रहा है। तो आप बताएं इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, जो गलत स्थान पर रखा हुआ है उसने, जबकि वो किसी और स्थान पे, किसी और राज्य में हो। देखो राहुल केला जो इस्पात कारखाना है लोहे का, वो उड़ीसा में राइट एवनाम में, कोई दिक्कत नहीं है। बरनपुर पश्चिम बंगाल में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भिलाई कारखाना छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है, कोई दिक्कत नहीं है। बोकारो, बोकारो छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये नाम में गलत हो जाता है, बोकारो है झारखंड में। ठीक है, तो आप इसे आगे के लिए याद रखेंगे, बोकारो कारखाना कहां पर है, झारखंड। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में नाम होते बोकारो झारखंड में, बाकी सब सही है अपना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मानक देशांतर रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक जो देशांतर रेखा है, जहां से भारत का टाइम सेट किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से, वो कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है। वो ए ऑप्शन 11, बी 10, सी 5, डी 8। बताइए कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है, थोड़ा जल्दी बताइए आप सब लोग। बताइए, ये गुजरती है आपकी 5 राज्यों से, सी आंसर है हमारा। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो है आपका यूपी, एक है एमपी, एक है उड़ीसा, एक है छत्तीसगढ़, और एक राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये वो 5 राज्य है जिनसे होके गुजरती है। ठीक है भाई, 1, 2, 3, 4, 5 क्लियर है 5 राज्य। तो भारतीय जो मानक समय है, अगर पूछ रहे आपसे कितने डिग्री देशांतर से लिया गया है, 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है। किस राज्य से लिया गया है, यूपी से लिया गया है। यूपी के किस स्थान से लिया गया है बताइए, बताइए। यूपी के इलाहाबाद से लिया गया है, यूपी के इलाहाबाद, और इलाहाबाद में भी एक लोकल स्थान है मिर्जापुर, वहां से स्थापित किया गया है भारत का लोकल समय। और भारत का जो लोकल समय है, ये विश्व जो इंटरनेशनल तिथि रेखा है, विश्व समय है, जो विश्व रेखा है, उससे 5.5 घंटा आगे है। क्लियर है, इससे क्वेश्चन यही बनता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, मतलब भारत को गणराज्य क्यों कहा गया,
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निर्वेश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये प्रस्तावना है पूरी, तो भारत को गणराज्य ही क्यों कहा गया है? ए ऑप्शन संसद दिव सदनात्मक व्यवस्था है, मतलब इसलिए कहा गया कि ये ऑप्शन दे रहा है, मतलब कि भारत में संसद में दो दिव सदनात्मक है, लोकसभा राज्यसभा, इसलिए कहा जा भारत को। दूसरा ऑप्शन दे रहा है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तीसरा ऑप्शन दे रहा ए और बी दोनों। तो बताइए भारत में गणना भारत को गणराज्य क्यों कहा जाए? देखो इसका जो आंसर है मैं आपको बतला दूं, बी है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है इसीलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। किसी भी देश को गणराज्य तब कहा जाता है जब उसकी कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि मतलब 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता हो तो उसी देश को गणराज्य कहा जाता है। क्लियर? तो इसीलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित गतिक सिद्धांत। ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित जो गति का सिद्धांत था कि हलचल होती है, गति करता है पानी, किसने दिया था? ज्वार भाटा समुद्र में आता है, ज्वार भाटा समुद्र का पानी ऊपर जो उठता है वो ज्वार होता है, जब अपनी स्थिति में नीचे आता है वो होता है भाटा, तो उसे कहते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटे पे पूरी क्लास ले रखी है मैंने, प्ले लिस्ट में जाकर पढ़े आप ज्योग्राफी की, ठीक है, तो वहां से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब चीजें। हैरिस लाप्लास जॉन, बताइए किसने दिया था? ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित गतिक सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था आपका लाप्लास ने दिया था, बी आंसर है हमारा, ठीक है, लाप्लास। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की जब क्रांति हुई थी तो रुहेलखंड जो स्थान था वहां पर इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेता कौन था, इसका लीडर कौन था जिसने इसे क्रांति को आगे बढ़ाया था रुहेलखंड में? ए ऑप्शन शहजादा फिरोज खान, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर। बताइए किसने आगे बढ़ाया था 1857 की क्रांति को? यह बढ़ाया था आपका शाहजहां फिरोज खान ने, ए आंसर है हमारा। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली की बागडोर संभाली थी, बहादुर शाह में मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था? मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम था या कानून था जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित था जो वो समाप्त कर दिया गया था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया 1784, सी भारत शासन अधिनियम 1858, डी कोई नहीं। बताइए किसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था भारत में वो समाप्त कर दिया गया था? ये किया गया था आपका सी आंसर है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, नूरजहां मूलतः कहां की निवासी थी? आप लोगों को पता है कि नूरजहां जहांगीर की मिसेज थी और ये जहांगीर की जितनी भी मिसेज थी उनमें सबसे ज्यादा प्यारी उसकी मिसेज थी, उनमें सबसे ज्यादा प्यार करता था जहांगीर से, सबसे ज्यादा इसके करीब था जहांगीर। तो नूरजहां जो थी इसका जो जन्म हुआ था मूल रूप से वो कहां पर हुआ था या मूल निवासी ये कहां की थी? क्वेश्चन ये है नूरजहां बोलते हैं कहां की निवासी थी? ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान। बताइए नूरजहां जहांगीर की जो पत्नी थी ये कहां की निवासी थी? इसके पिता का नाम एतमाउद्दौला था, इसी ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण कराया था एतमाउद्दौले का। ये थी आपकी नूरजहां जो थी मूल निवासी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक शहर है कंधार, तो ये वहां की निवासी थी कंधार की, ठीक है। किसकी पत्नी थी? जहांगीर की, तो याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा था कि भारत
विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। मतलब भारत में सभी पूरे विश्व की जितनी भी जलवायु है उन सब का मिश्रण पाया जाता है। किसने कहा था ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। थॉट है ए ऑप्शन कोपेनहेगन, मार्स डैन, रिटर, कार्ल रिटर पूरा नाम इनका, डी है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए किसने कहा था? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये कहा था आपका मार्स डैन ने कहा था कि भारत में विश्व की जितने भी जलवायु है उन सब का मिश्रण पाया जाता है। देखिए क्यों कहा था भारत ने हमें मार्स डैन ने, इसलिए कहा था कि भारत में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक अलग अलग लोग आए भारत में, चाहे वो आक्रमणकारी के रूप में आए, चाहे रहने के लिए आए, चाहे कहीं से आगे बसे। तो भारत में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक कल्चर, अनेक संस्कृति, अनेक खाने पीने, तो उन सब का जो मिश्रण पाया जाता है वो एक विश्व का एक अनोखा देश ऐसा भारत ही है, जहां पर विश्व का अनेक लोग आके रहे और भारत ने उन सब को अपने में समाहित कर लिया। तो इसीलिए भारत को इसने मार्स डैन ने कहा था कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु को अपने अंदर समेटे हुए है, जिनका भारत ने अपने में अडॉप्ट कर लिया है, अपने में शामिल कर लिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर है? तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का टेस्ट आप लोगों को क्लियर रहा होगा। कोई भी अगर समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ए ऑप्शन 8, बी 9, सी 10, डी 12। इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अगर आप तो ये थी आपकी हमारी क्लास, आप ये लोग ये भी बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, इसका भी आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रतिदिन 3 क्लास लेने के लिए और एक हफ्ते में टेस्ट पाने के लिए 3, और शनिवार को करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए। और अगर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। और भाई देखो, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि संस्थान की जान आप लोग ही हो, आप लोगों के बिना संस्थान आगे बढ़ना असंभव है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराएं लोगों से, और करें भी कुछ। चलिए, मैं आपका अपने टीचर पूछ लेता हूँ। थैंक यू।